आपके मोबाइल फोन के बहुत बहुत ही ज्यादा मजेदार और यूजफुल ट्रिक्स को आज आप जानने वाले हो। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, उसके बाद ही आप इन सब ट्रिक्स को ट्राई करना। नंबर 5, द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कोड। अपने फोन में अगर आप ये डायल करोगे *#*#4636*#*#, तो आपको ये पैनल देखने को मिलेगी जिसमें आपके फोन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है। आपके फोन और नेटवर्क के बारे में सारी जानकारी इन टैब्स में देखने मिलेगी और नीचे इस वाली टैब में आपके बैटरी की इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी। इसमें आप अपनी बैटरी की हेल्थ भी देख सकते हो, बैटरी की वोल्टेज भी देख सकते हो, टेम्परेचर कितनी है वो भी दिखेगी और बैटरी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और लास्ट में इस मजेदार चीज को आप देख सकते हो, टाइम सिंस बूट, मतलब आखिरी बार कब आपने अपने फोन को रीबूट किया था, यानी उसे ऑफ करके ऑन किया था। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि अगर आप बहुत दिनों तक अपने फोन को रीबूट नहीं करते हैं तो फोन स्लो हो जाता है, पर अक्सर आप भूल जाते होगे कि लास्ट आपने कब रीस्टार्ट किया था। तो इस टैब में आप उसी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। यहाँ पर ये दिखता है कि कितने घंटे, कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स पहले आपने अपने फोन को रीबूट किया था। और बैटरी इन्फॉर्मेशन तो जस्ट इसका पार्ट है। इसके साथ साथ आप यूजर्स इन्फॉर्मेशन और वाईफाई इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो। नंबर 4, स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। क्या आप ये जानते हो कि आप अपने मोबाइल के टाइम को अपना पासवर्ड बना सकते हो? प्ले स्टोर में आपको ये सर्च करना है, स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। फिर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद जब ये ऐप इंस्टॉल हो जाए तब इस ऐप को खोलिए। जब ये ऐप ओपन हो जाए उसके बाद इस पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। उसमें आपको ये रिकवरी पासवर्ड पूछता है, मतलब आपका टाइम पासवर्ड बन जाएगा। ये तो ठीक है, पर टाइम के बदले अगर आप इस पासवर्ड को भी डालोगे तब भी आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। मतलब ये एक्स्ट्रा पासवर्ड है, टाइम प्राइमरी पासवर्ड है और ये सेकेंडरी पासवर्ड। तो जैसे मैं यहाँ पर इंडिया लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ, अब आपका टाइम आपका पासवर्ड बन चुका है। नंबर 3, चेक योर रिमोट। ये ट्रिक और भी ज्यादा मजेदार है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि आपका कैमरा ऐसी कई चीजें देख सकता है जो आंखों से नहीं देखी जा सकती। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि आत्माएं कैमरे में कैद हो जाती है। तो ये ट्रिक भी कुछ इसी तरह का है। अपने टीवी रिमोट को लो, टीवी रिमोट के आगे देखना एक स्मॉल इंफ्रारेड सेंसर होगा। अगर आप अपने रिमोट की किसी भी बटन को प्रेस करोगे और आंखों से देखोगे तब आपको कुछ नहीं देखने मिलेगा, पर अगर अपने फोन के कैमरे से देखोगे और रिमोट के किसी भी बटन को प्रेस करोगे तब आप हल्की हल्की रेड या पिंक कलर की लाइट को चमकते हुए देखोगे। जब भी आपका रिमोट ठीक से काम नहीं करता तब आप ये पता कर सकते हो कि रिमोट खराब है या रिमोट की बैटरी कम हो गई है। कैमरे से देखते समय अगर कोई भी बटन प्रेस करने से ये लाइट बहुत धीमी धीमी दिखेगी तो इसका मतलब रिमोट की बैटरी कम हो गई है, इसलिए आपका रिमोट सही से काम नहीं कर रहा। और अगर कोई लाइट ही न जले तो इसका मतलब आपका रिमोट खराब हो चुका है। और अगर लाइट नॉर्मल ब्लिंक करते हुए दिखे तो इसका मतलब आपका रिमोट और बैटरी 100% सही है। ये एक्चुअली इंफ्रारेड लाइट है जो कैमरा सेंस कर सकता है पर आपकी आंखें नहीं कर सकती। नंबर 2, IMEI नंबर कोड। अपने मोबाइल में जब आप ये डायल करोगे *#06#, तो आपको ये नंबर दिखेगा। इसे कहते हैं IMEI नंबर। और क्योंकि आजकल हर मोबाइल में डुअल सिम होता है इसलिए आपको 2 IMEI नंबर दिखेगी। इस IMEI नंबर को आपको नोट करके रख लेना चाहिए क्योंकि ये आपके बहुत काम की है। आजकल की दुनिया का भरोसा नहीं किया जा सकता कब आपका मोबाइल चोरी हो जाए, पर बाय चांस अगर आपका मोबाइल खो जाए या चोरी हो जाए तब आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ये IMEI नंबर है तो। क्योंकि वो इंसान, अगर वो अच्छा इंसान होगा तो वो सिंपली मोबाइल फोन को पुलिस को दे देगा, पर अगर वो इविल माइंडेड होगा तब वो आपके फोन को इस्तेमाल करेगा। अगर वो आपके फोन को इस्तेमाल करेगा तो वो कभी ना कभी फोन में सिम जरूर लगाएगा। और अगर आपके पास ये IMEI नंबर है तो इस नंबर को आप पुलिस के पास दोगे तो वो पुलिस उस नंबर को सारे नेटवर्क ऑपरेटर्स को दे देता है, जितने भी सिम कंपनीज है सबको दे देता है। तो अगर वो चोर किसी भी सिम को लगाएगा तो उस सिम कंपनी को उस चोर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है और सिम कंपनी वो इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देता है और पुलिस
फोन को खोज लेता है, इसलिए अपने IMEI नंबर को नोट करके जरूर रखना। फिलहाल मैं अपनी IMEI नंबर आपको नहीं दिखा सकता, मैंने इसे ब्लर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए किया है, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि इस नंबर से फोन के ओनर का पता लगाया जा सकता है। नंबर वन, चेक कॉल फॉरवर्डिंग। आप तो जानते ही होंगे कि कोई भी हैकर आपके फोन को आराम से फॉरवर्ड कर सकता है, यानी आप जब किसी से बात करते हो तो उसे वो सुन सकता है। तो एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपका कॉल फॉरवर्ड होता है कि नहीं, उसके लिए आपको इस कोड को डायल करना होगा *#21#। उसके 3 सेकंड बाद आपके मोबाइल में ऐसा कोई टैब आएगा जिसमें ये लिखा होगा कॉल फॉरवर्डिंग, वॉइस नॉट फॉरवर्डेड या फिर फॉरवर्डेड। अगर आपके ये डायल करने के बाद फॉरवर्डेड दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका कॉल कोई और सुन सकता है, और इसके बाद आपको तुरंत कस्टमर केयर से बात करनी चाहिए। लेकिन अगर नॉट फॉरवर्डेड दिखा रहा है तो इसका मतलब सब कुछ सही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।